हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ अमाइन। क्लास 12th केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर है ये। तो आज हम यही करेंगे कि बस छोटा सा टॉपिक है ये, डिग्री ऑफ अमाइन। इससे पहले का जो लेक्चर था, क्या नाम, जैसे ये हाइड्रोकार्बन से बिलोंग करता है तो आप समझ सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन जो चैप्टर मैं करा चुका हूँ लेक्चर, उसका भी एक छोटा सा लेक्चर लिया था हमने। इसका पार्ट टू मान सकते हैं आप, या जनरली ये पार्ट टू ही है हाइड्रोकार्बन का पार्ट टू। ऐसे और भी लेक्चर और हैं तो उनको भी मैं कराऊंगा धीरे धीरे। तो पिछले लेक्चर में हमने एडिशन रिएक्शन ऑफ एमाइन सीखा था। इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे डिग्री ऑफ एमाइन की, एमाइन की कौन कौन सी डिग्री होती है, कितने प्रकार होते हैं उसके, किस तरह से क्लासिफिकेशन उनका किया गया है। तो इसका टॉपिक हम पहले डाल देते हैं, इसका क्या है हमारा, डिग्री ऑफ अमाइन। डिग्री ऑफ अमाइन तो ये होता क्या है देखिए, डिग्री ऑफ अमाइन जो होता है वो क्या होता है, ये एक डेरिवेटिव होता है अल्काइल का। जो अल्काइल ग्रुप होते हैं अपने, CH3 है, यानी कि कोई आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप जनरली आर ग्रुप, कोई आर ग्रुप, कार्बन भी आ सकता है, नाइट्रोजन है, एनी अदर फॉर्म, वो बिलोंग टू आर, दैट इज अल्काइल ग्रुप। तो जो अल्काइल ग्रुप है उनका डेरिवेशन ही, उनका जो डेरिवेशन होता है उसको सीक्वेंस वाइज, कि हाउ मच हाइड्रोजन बी कैन रिप्लेस, दैट इज द डिग्री ऑफ देयर अमाइन। तो इट इज इट इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमाइन। ये हमको शो कैसे होंगे, विजुलाइज कैसे होंगे, तो दीज आर ऑब्टेंड फ्रॉम रिप्लेसिंग वन टू और थ्री हाइड्रोजन एटम। यानी कि जब हम एक दो या तीन हाइड्रोजन एटम हटाएंगे तो वो उसकी डिग्री ऑफ अमाइन बनेगा। यानी कि इसके क्लासिफिकेशन आगे अभी पढ़ेंगे अपन थोड़ी देर में। पहले ये समझ लीजिए कि अल्काइल डेरिवेटिव जो होता है अमाइन का, वो इसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है। मैथ या फिजिक्स के टर्म में अपन कह सकते हैं डेरिवेटिव क्या होते हैं, डेरिवेटिव, अरे ये तो आते होंगे भैया आपको, डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स, अगर इक्वेशन है x² + 1 तो इसका हो जाएगा 2x, डबल डेरिवेटिव d² xy डी एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, d² x / dy तो इसका 2 हो जाएगा केवल, है ना, ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप का डेरिवेटिव है, जैसे मान लो ये NH3 लगा हुआ है, पहला फॉर्म इसका होगा NH2, दूसरा फॉर्म इसका होगा तो NH, तीसरा और मान लीजिए तो वो हो जाएगा N, चौथा भी हो जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से तीन चार भागों में इसको बांटा गया है, आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे इसके क्लासिफिकेशन अगर आपको करा दूं। पॉज करके वीडियो को आप नोट कर लीजिए। तो चलिए इसको आगे हम करते हैं, यस क्लासिफिकेशन इसके करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये एक छोटा सा टॉपिक है और बेहद सिंपल
और आसान टॉपिक है, इसका भी वेटेज काफी अच्छा खासा है आपके जेई में। चलिए इसके क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ओके क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं कि ये होते हैं चार प्रकार के, प्राइमरी, दूसरे सेकेंडरी, तीसरे टर्शरी, अमाइन अमाइन और रुला सकते हैं आप इसके सामने, ठीक है ना, वो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे ही लिख रहा हूँ। चौथे होते हैं क्वार्टरनरी, चार प्रकार के आपके ये डिग्री ऑफ अमाइन होते हैं, जो चार प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, क्वार्टरनरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इनकी डेफिनेशन भी होती है कि, चलिए मैं लिखवाई देता हूँ, फिर आपको कुछ अच्छे से क्वेश्चन कराऊंगा, किंतु आपको होमवर्क में भी क्वेश्चन दूंगा, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने। ओके, उससे पहले आपको बता दूं कि हमारी एक लाइव स्प्रिंट है और कभी रात के बज रहे हैं लगभग 2, तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए उसको, साथ ही आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे अपकमिंग वीडियो की जो नोटिफिकेशन होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी और आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। और ये एक सुपर रिवीजन सीरीज है उन बच्चों के लिए जो इस वक्त 2021 का एग्जाम देंगे, उनके लिए एक अच्छा जे का कंटेंट तैयार है। आप बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो आपके हमारे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन और वीडियो आपके फ़ोन में मिल जाएंगी। और जहाँ तक मैंने अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी इस वीडियो के, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से सब्सक्राइब भी कर, लिंक में जाएंगे तो आपको यूट्यूब चैनल ओपन होगा, चैनल ओपन हो तो उसको आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। सुपर रिवीजन सीरीज है, सुपर मेगा रिवीजन सीरीज, लाइव स्प्रिंट है, अभी रात के 2 बज रहे हैं तकरीबन, और आपके लिए लेक्चर चल रहा है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन अच्छा खासा वेटेज रखता है अपने आप में, 4 नंबर तो पक्के हैं ही इस हाइड्रोकार्बन से, तो पूरे हाइड्रोकार्बन से तो लगभग लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकते हो। पिछली बार की याद है मुझे, मैंने पेपर देखा था, उस शिफ्ट मुझे याद नहीं है, उसमें मतलब हर शिफ्ट में क्वेश्चन था हाइड्रोकार्बन से, आप सोच नहीं सकते, हर शिफ्ट में जनवरी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन था, यानी कि 8 शिफ्ट हुई थी, 8 क्वेश्चन। आप समझ सकते होगे कि इस चैप्टर में कितना अच्छा खासा रोल है। और कुछ नहीं, बस बहुत ही बेसिक सा, अगर आप इसको ढंग से समझे तो बहुत ही बेसिक सा है। चलिए इसके क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशन आप तैयार नोट्स बना के रखिए। प्राइमरी अमीन क्या होता है, व्हेन वी रिमूव अ एटम जब आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं ओनली, केवल एक हाइड्रोजन से, तो वो प्राइमरी अमीन बनता है। और एक एग्जांपल इसका देखते हैं, तो उसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए NH3 है आपके पास, ये आप लोग सिंबल बता सकते हैं, ये दोनों तरफ लगाया मैंने, यानी कि ये बैकवर्ड नहीं आ सकती रिएक्शन, प्लस R माइनस H, एक अल्काइल ग्रुप से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा NH2। वॉट इट, आगे जो भी और भी बन सकती हैं वो इसमें मैटर नहीं करता, कोई बैकवर्ड रिएक्शन तो है नहीं, ना कि ना इसके हमें इक्विवेलेंट इसमें इक्वल करने कोई पूछ तो नहीं ना,
केवल हमें एक एग्जांपल देना है कि NH3 से हमने अल्काइल ग्रुप की रिएक्शन कराई तो वो NH2 के फॉर्म में प्रोड्यूस हो गया, ये क्या है 1 डिग्री है मैंने आर प्लस स्टेप्स आगे बढ़ेगा। सिमिलरली दूसरा होता है सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन क्या होता है सिमिलरली व्हेन टू हाइड्रोजन एटम आर रिप्लेस बाय अ अल्काइल ग्रुप, जब दो हाइड्रोजन होंगे तो ये बनेगा, जैसे मान लीजिए ये NH2 था आर ग्रुप आया हाइड्रोजन हटाया NH बन गया, सिंपल। आप नोट कर लीजिए इसको ट्राई, हाँ नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ, आगे का टॉपिक क्लियर करना है मुझे। तीसरा कौन सा होता टर्शियरी अमाइन, इनको अपन जनरल फॉर्म में 3 डिग्री अमाइन भी कहते हैं, उनको 2 डिग्री 1 डिग्री भी कहते हैं, प्राइमरी को 1 डिग्री, सेकेंडरी को 2 डिग्री, थर्ड टर्शियरी को 3 डिग्री। इसमें भी व्हेन बी रिप्लेस When we replace 3 hydrogen atom from the amine group, okay. जब अपन 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं, जब तो 3 हाइड्रोजन एटम रिमूव करते हैं तो टर्शियरी अमाइन बनता है। एग्जांपल देखिए इसका, NH से एक जब वो पहले प्राइमरी बनेगा फिर सेकेंडरी बनेगा फिर टर्शियरी बनेगा माइनस एच, तो आर NH बट ओ सॉरी तीनों हाइड्रोजन रहेगा, हाँ यस यस आर एन सिमिलर। मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट आ रहा होगा, इफ यू हैव एनी डाउट द प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर इट, ओके जस्ट इन फ्यू टाइम आई विल क्लियर इट प्रॉमिस, बट यू हैव टू राइट इट इन कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई कांट सी व्हाट्स योर इन माइंड। चलिए इसके साथ चौथा भी लिख लेते हैं जो है हमारा क्वार्टरनरी, ओके चलो हमारा क्वार्टरनरी है भाई। आप कहोगे आप इसके पास तो कोई हाइड्रोजन बचा भी नहीं, अब रिमूव क्या करेगा, नहीं बैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं किसी पास उससे ज्यादा भी वो डोनेट या शेयर कर सकता है इनके जो, लेकिन उसके ऊपर या कैटाइन या एनाइन कोई, जैसे वो अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा राइट, इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती उससे ले जाएगा तो कैटाइन क्रिएट करेगा, कोई जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर एमाइन क्रिएट होगा, एनाइन एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अगर उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सेंटर एटम पे, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा राइट। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं व्हेन एक कैटाइन
टेक प्लेस ऑन द सेंटर एटम. जब सेंटर एटम पे सेंट्रल मैटम एटम है तो जब उस पे कैटाइन टेक प्लेस करेगा. आई मीन टू से दैट व्हेन अ कैटाइन इज टेक प्लेस ऑन द सेंट्रल मैटम एटम देन इट इज इट बिलोंग. अगर एक कैटाइन है तो अमाइन के केस में ऐसा नहीं. मैं कार्बन के केस में बात कर रहा हूँ. चार हाइड्रोजन है उसके पास फिर भी आप एक कैटाइन रख दो उस पर चार हाइड्रोजन रिमूव करके दैट इज नॉट पॉसिबल. मैं केवल नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. केवल नाइट्रोजन का एमाइन क्या होता है NH3. तो नाइट्रोजन के पास तीन ही बॉन्ड बना सकता है लेकिन बना तो ये पांच भी सकता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा. उसमें आपको पीरियोडिक टेबल में चैप्टर कराऊंगा. पीरियोडिक टेबल आगे कराऊंगा उसमें आपको इन डिटेल में ये पूरी बात समझाऊंगा कि कौन सा कितना बनाएगा कौन सा कितना गेन करेगा या लॉस करेगा एवरीथिंग. आई विल कवर इट दैट वीडियो. यहाँ पर आपको इतना समझना केवल क्वाटर्नरी एमाइन क्या होते हैं. एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अगर कोई पैसे वाला व्यक्ति है यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच पर्सन तो उससे अगर हम इलेक्ट्रॉन लेंगे मान लीजिए उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है. अगर हम उससे इलेक्ट्रॉन लेंगे दो ले लेंगे तीन ले लेंगे चार ले लेंगे आराम से दे देगा यार कोई कमी थोड़ी ना उस पर 10 इलेक्ट्रॉन है अभी तो बहुत है. लेकिन अगर कोई मिडिल क्लास है उससे पांच ही इलेक्ट्रॉन है और मैंने पांचों ले लूँ उससे या तीन इलेक्ट्रॉन है और मैं तीनों ले लूँ उससे टर्शियरी ब्यूटाइल बना टर्शियरी अमाइन बना दूँ उसको. एक अमाइन नाम का आदमी है उसके पास तीन रुपए हैं जनरली इन केस 3 रुपए हैं. मैं तीनों ले लूँ उससे वो उसको बना दिया मैंने टर्शियरी अमाइन. अब मैं अगर तो चौथा भी दे दे तो वो कर्जा लेके देगा कर्जा दे के लेगा यानी कि एक कैटाइन कहीं से लेगा वो मतलब वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से या ऐसे कोई नहीं देता. जनरली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो कहीं से भी अरेंज करे लेकिन मुझे उससे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑब्वियसली ये कैटाइन प्रोड्यूस होगा उसके सेंट्रल मेटल एटम पे मेटल एटम पे. तो आप समझ गए होंगे एग्जांपल को नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए मैं फिर से क्लियर कर दूंगा. आपका टेलीग्राम पे भी जोड़ सकते हैं मेरे साथ. तो यही होगा ये जो केस है ये एक ही नहीं यहाँ पे और भी आर होंगे. मैंने लिखा नहीं तो आप पूछते भी नहीं कोई कमेंट सेक्शन में लिखता से. बट आई होप यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड. सिमिलरली इसके यहाँ भी आर 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 और ये आर और ये एक कैटाइन प्रोड्यूस हो जाएगा ऐसे उन पे एक आर दो आर तीन आर चार आर. ये अल्काइल ग्रुप है आर ये कोई अदर नेमिंग वर्ड नहीं है ना इनके कोई नेमिनिक्स है. तो आप नोट कर लीजिए एक बार. कैमरा देख लेता हूँ एक बार कैमरा यस ओके फाइन. चलिए क्वेश्चन कुछ करा दो उसके आप लिख लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके देखिए. देखिए जितना ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा आपको. जितना अच्छा समझ में आएगा उसमें उससे ज़्यादा आपका मटेरियल स्टडी मटेरियल जो है आपके पास सॉल्व होगा. हाँ अगर आपको और ज़्यादा इसकी थ्योरी जाननी है तो आप ओपी टंडन वगैरह जो बुक्स हैं थ्योरी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती हैं. आप उनको केमिस्ट्री की ABC आती है OP टंडन है ये सब आप प्रेफरेंस कर सकते हैं. दैट दोज आर बुक्स बेस्ट बुक्स. मैं इसमें ज़्यादा थ्योरी तो नहीं बट आपका एक रिवीजन स्प्रिंट है ये लाइव स्प्रिंट है तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की तैयारी कोशिश करता हूँ मैं. ओके इसका एक क्वेश्चन लिख दिया आपके लिए. क्वेश्चन लिखेंगे विच इज वन डिग्री अमाइन इन द फॉलोइंग. एक MCQ है मेंस लेवल पे है छोटा सा कोई मतलब मेंस लेवल भी है मेंस का क्वेश्चन नहीं है.
बी सी, ये दिए चार ऑप्शन है आपके। ए है ये, यहाँ पे 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री कर लीजिए। ओके ओके okay। ट्राई कीजिए इसको, आप भी ट्राई कीजिए, मेरे को पास करके क्वेश्चन को ट्राई करिए। 1 2 3 4 5 हो गया होगा। चलिए इसका आंसर देख लीजिए, ये 1 पे लगा है, ये तो नहीं होगा, 2 डिग्री पूछा गया अपन पे, ये सिंगल जुड़ा है, ये भी नहीं हो सकता, ये 1 2 2 कारण से जुड़ा, ये आंसर है आपका। ओके तो ये तो 1 2 3 4, ये तो क्वार्टर जो होगा। ओके रो 2 3 सेकंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 4 ऑप्शन, 4 सेकंड मान लीजिए, मैक्सिमम 5 सेकंड, इससे ज्यादा अगर आप टाइम ले रहे हैं ऐसे क्वेश्चन में, देन यू हैव टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, मेंटेन योर स्पीड। ओके क्वेश्चन को इरेज करते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इसका, एक और जरा कोई क्वेश्चन करा दो। चलिए ये ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी होगा और ये डी होगा। बी ऑप्शन भी ऐसे ही चेन की तरह है, डी ऑप्शन बना दीजिए। यस ये ऑप्शन है आपके, क्वेश्चन इसमें ये है, विच इज आप पहले इनको ऑप्शन को नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। क्वेश्चन है आपके पास, विच इज 1 डिग्री अमाइंड, यस दिस इज करेक्ट, व्हाट इज 1 डिग्री अमाइंड, इसमें 1 डिग्री आपको बनाना है। चलिए जल्दी से ट्राई करिए इसको, 5 सेकंड देता हूँ आपको, 1 2 3 4 एंड 5। ओके आपने कर लिया होगा शायद, द ऑप्शन इज, मैंने क्वेश्चन पूछा था 1 डिग्री सामने दिख रहा सबसे, व्हाट इट, अरे भैया ये 2 कार्बन लगेंगे, ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, खत्म खेल, यहाँ पे भी 4 कार्बन लगे, क्वार्टरनरी हो गया, खत्म खेल। ये देखिए एक ही कार्बन से एंड है और कहीं कोई एटम नहीं है, पूरा खाली इसका स्पेस, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये जो भी यहाँ पे फास्फोरस है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप आई होप आपने अटेंड किया होगा, जरूर आप करेंगे इसको ट्राई करिए, वीडियो को पॉज कर करके क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया कीजिए। थ्योरी में मिस हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में मिस हो गए तो 4 4 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर जाएंगे पूरे। अब
कहीं एडवांस में तो 6 नंबर गए होंगे, माइनस टू की मार्क, माइनस टू मार्किंग हो रही है, आपको पता भी होगा। ओके तो फाइनल अपन एक और क्वेश्चन ये होमवर्क का रखते हैं, और जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था तो वो मेंस का ही था, अब मुझे ये याद नहीं है कब आया था, लेकिन मेंस का क्वेश्चन था मैंने पढ़ा। और ये है क्वेश्चन है जेई एडवांस, सॉरी जेई मेंस का ये भी है 2018 का, ये 2018 वाच इज व्हाट इज विच ऑफ देम इज, क्वेश्चन कुछ भी बना सकते हैं, इज क्वार्टरली अलग भी है क्वेश्चन, थोड़ा मिस्टेक है, क्वार्टरनरी नहीं, इसमें बहुत से बच्चे फंस गए थे इस क्वेश्चन में कि टर्शरी अल्काइल ग्रुप, जो टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन होता है, टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन, हाँ चलिए अल्काइल लिख दिया था मैंने, कोई बात नहीं यार। सो टर्शरी, आपको क्वेश्चन गलत नहीं कराऊंगा, लिख सकता हूँ लेकिन आपको क्वेश्चन करेक्ट करके ही दूंगा। टर्शरी ये मैं खुद नोट्स बनाकर पहले लाता हूँ, अमाइन जो है ये डॉट डॉट है, आंसर फिल करना इसमें, ऑप्शन ए बी सी डी, जो टर्शरी ब्यूटाइल होता है वो 1 डिग्री होता है कि 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री होता है या 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री मीन्स क्वार्टरनरी। अब इसका आंसर बताइए जल्दी कि जो टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन ग्रुप होता है वो 1 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है या 3 डिग्री होता है या क्वार्टरनरी होता है। क्विक क्विक फास्ट, आप इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए, और ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका, मैं पहले ही बता दूंगा आपको, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। ओके चलिए मैं आंसर बता ही देता हूँ उसका, आपको पता भी होगा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा होता है, पहले तो फिगर लगा दीजिए, टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि 3 कार्बन 1 नाइट्रोजन, ये क्या है ऐसे ओके 1 डिग्री आंसर इसका। आज का हम टॉपिक अपना एक ही खत्म करते हैं, ये टॉपिक खत्म हो चुका है आपका, आगे शुरू करेंगे इसका हाइपर कंजुगेशन, इसके बाद रेजोनेंस, आरएस नोमेनक्लेचर, डीएल नोमेनक्लेचर वगैरह, मतलब हाइड्रोकार्बन के और वगैरह जो उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर होंगे 1 बाय 1। ओके तो वीडियो को एंड करता हूँ यहीं पे, और आप ध्यान रखें कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आपकी हमारी वीडियो की अपकमिंग नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। तो ये लाइव स्प्रेड सीरीज मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, गुड नाइट।